हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ कृष्ण खान। और ये क्रैश कोर्स का पार्ट टू है। इस पार्ट वन में हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ पढ़ा था। हमारा चैप्टर फर्स्ट था कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क को कवर किया था, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग को देखा था, साथ में टाइप्स ऑफ नेटवर्क और भी कुछ टॉपिक जैसे कि नेटवर्क कंपोनेंट्स और नेटवर्क आर्किटेक्चर को कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम नेटवर्क ट्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ट्रोपोलॉजी एक ऐसा सिस्टम होता है या फिर एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को एक कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। यानी कि ट्रोपोलॉजी हमें ये प्रोवाइड करता है या फिर ये बताता है कि हम किसी भी कनेक्शन को कैसे बना सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के यूज के लिए किसी भी कनेक्शन को हम कैसे बना सकते हैं। किसके द्वारा होता है? ट्रोपोलॉजी के द्वारा। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रोपोलॉजी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत सारे ट्रोपोलॉजी का यूज किया जाता है। कुछ ट्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंट से आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा PTP, यानी पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजी। PTP क्या होता है? यह एक ऐसा ट्रोपोलॉजी होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी भी नेटवर्क को, किसी भी डिवाइस के अंदर एक नेटवर्क को बनाते हैं। यानी कि इस तरह के ट्रोपोलॉजी में हम एक वायर के थ्रू डायरेक्टली किसी भी नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। यह ट्रोपोलॉजी एक छोटे अमाउंट ऑफ एरिया और छोटे अमाउंट ऑफ डिवाइस के अंदर बनाया जाता है। यानी कि जब हमारे पास कम डिवाइस हो और उनका कनेक्शन बनाना हो, या एरिया कम हो और कम डिवाइस हो, तो हम पॉइंट टू पॉइंट का यूज करते हैं। इसका यूज जनरली हम अपने घरों में कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे साइबर में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बस ट्रोपोलॉजी। बस ट्रोपोलॉजी क्या होता है? ये भी एक तरह का क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रोपोलॉजी की तरह वर्क करता है। यानी ये भी कम्युनिकेशन में यूज होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक वायर कनेक्शन होता है। आप देख रहे हो बीच में एक वायर कनेक्शन है जिसे हम लोग टर्मिनल्स कहते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल होता है और एंडिंग टर्मिनल होता है। यह टर्मिनल ही सारे सिस्टम के कनेक्शन को कंबाइन करता है। यानी कि इस टर्मिनल के अंदर ही हम सारे कनेक्शन को बना सकते हैं, सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम, इस तरह का कम्युनिकेशन जनरली किसी ऑफिस या फिर नॉर्मली किसी बिल्डिंग में किया जाता है। यह बस ट्रोपोलॉजी बेसिकली बस कैसे जैसे यूज होता है, सीट बाय सीट, यानी कि शिफ्ट बाय शिफ्ट। जैसे ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये एक नॉर्मली एक बस है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें हैं, ठीक है। तो सीट्स का क्या काम होता है? एक पैसेंजर को एक बार में बैठाना, फिर दूसरे सीट पे दूसरे पैसेंजर को बैठाना, तीसरे को। तो इस तरह से बस ट्रोपोलॉजी में क्या है, एक बार में एक सिस्टम का हम यूज करके उसके डेटा को दूसरे में भेज सकते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में भेज सकते हैं, फिर तीसरे से चौथे में। इस तरह से हम डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेंड या रिसीव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टार ट्रोपोलॉजी। स्टार ट्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टार ट्रोपोलॉजी आप लोग डायग्राम से देख रहे हैं, यह एक स्टार फॉर्मेशन में बना होता है। यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? स्टार के फॉर्म में होता है। इसके अंदर एक नया चीज़ है, क्या है हमारा? हब। हब क्या होता है? हब को जनरली हम क्या कह सकते हैं? सर्वर, ठीक है। हब को क्या कह सकते हैं हम? सर्वर। सर्वर का क्या काम है? सर्वर अपने अंदर सारे सिस्टम का डेटा क्या करता है? स्टोर करके रखता है। यानी कि सर्वर के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, यानी हब के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिस्टम है, ठीक है। ये सभी सिस्टम के डेटा को, यानी कि 6 सिस्टम के डेटा का इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करके रखेगा? हब अपने अंदर रखेगा। यानी कि सारा डेटा किसके अंदर है हमारा? हब के अंदर। हब बेसिकली वर्क क्या करता है, जिस जैसे कि हम सिस्टम 1 से सिस्टम 4 में किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो सिस्टम 1 से हम सिस्टम 4 को डायरेक्ट भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हब। सिस्टम 1 का डेटा हब के पास है, जो डेटा को हम सेंड करेंगे सिस्टम 1 से, वो हब उसको इंडिकेट करेगा और सिस्टम 4 को सेंड करेगा। इस तरह का ट्रोपोलॉजी बेसिकली बहुत बड़े एरिया में यूज किया जाता है। यानी कि जब हम इस तरह का एक सिस्टम के अंदर बहुत सारा सिस्टम को जब ऑपरेट कर रहे हैं, हब भी क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है, सब सिस्टम की तरह यूज करता है। तो हब के थ्रू हम एक सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा रिंग ट्रोपोलॉजी। रिंग ट्रोपोलॉजी क्या होता है? यह एक सर्कुलर ट्रोपोलॉजी है, यानी या यह क्लॉक बाई होगा या फिर एंटी क्लॉक बाई होगा। ठीक है, तो क्लॉक बाई या फिर एंटी क्लॉक बाई किसी भी तरह का फॉर्मेशन बनाएगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा? हमेशा यह सर्कुलर फॉर्म में होगा। इस तरह का ट्रोपोलॉजी में हम अनेक सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ही हम डेटा भेज सकते हैं जिस तरह से हमारा कनेक्शन बना है। जैसे कि ये चार सिस्टम है, अगर हम सिस्टम वन से सिस्टम फोर में डेटा भेजना चाहते हैं और सिस्टम फोर का डेटा वन में आ रहा है, तो ऐसे डायग्राम से हमें लग रहा है कि सिस्टम फोर तो एक से कनेक्ट है डायरेक्टली, वो भी कम डिस्टेंस पे। लेकिन हम यह चीज़ नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम वन से डायरेक्ट फोर में डेटा आ सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन किस फॉर्मेशन में है, क्लॉक वाइज है या फिर एंटी क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज अगर डायरेक्शन होगा तो वन से डायरेक्ट फोर में आने में टाइम नहीं लगेगा, यानी हम डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। बट अगर क्लॉक वाइज होगा तो वन से टू देन थ्री देन फोर में जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकेंड थिंग क्या है इसमें, इसमें अगर कोई एक सिस्टम बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएशन करता है तो बाकी इसके आगे वाले सिस्टम वर्क करना बंद कर देंगे। यानी कि वन से अगर फोर में हम सेंड कर रहे हैं डेटा, अगर सिस्टम टू हमारा बीच में ऑटोमेटिक कुछ प्रॉब्लम के कारण बंद हो जाता है या फिर सही डायरेक्शन में नहीं वर्क करता है, तो वह डेटा थ्री तक भी नहीं जाएगा, ना ही हमारा फोर तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्री ट्रोपोलॉजी। ट्री ट्रोपोलॉजी हमारा क्या वर्क करता है? ट्री एक हाउस की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि हाउस हो गया हमारा, ट्री एक हाउस है, समझिए क्या ट्री क्या है, घर है। जैसे ये हमारा घर है, इसके अंदर क्या है, पेरेंट्स हैं हमारे और ये हम हैं। ठीक है, यानी इस पेरेंट्स के चाइल्ड हैं। ठीक, तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है? इसको जो सबसे मेन सिस्टम होता है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर इससे रिलेटेड सारे सिस्टम का डेटा होता है, सिर्फ रूट सिस्टम के अंदर। बाकी सिस्टम अपने अंदर वाले सिस्टम का डेटा रखता है, बाकी सिस्टम के डेटा को नहीं रखता। जैसे इस कम्बिनेशन में हम इतना के अंदर देखते हैं, ये हमारा सिस्टम वन है जो कि एक रूट सिस्टम है, जिसके अंदर एक और सिस्टम है, यानी ये रूट वन का ए हमारा क्या हो गया, सब सिस्टम। अब इस ए के अंदर वन टू थ्री सिस्टम ऐड है, तो ए का सब सिस्टम क्या हो गया, वन टू थ्री। यानी हर एक सिस्टम के अंदर का सिस्टम उस सिस्टम का सब सिस्टम होता है। यह इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी भी कम्युनिकेशन को लंबे समय तक, लंबे टाइम तक यूज कर सके या फिर उसको इंक्रीज कर सकते बाई सेक्टर बाई सेक्टर। यह कम्युनिकेशन जो होता है हमारा एक टर्मिनल के थ्रू होता है, जिसको हम नोड के थ्रू ऐड करते हैं, यानी नोड्स, NODES। नोड्स क्या होता है, जो कि हमारे टर्मिनल को कनेक्ट करने का काम करता है। ट्री ट्रोपोलॉजी का यूज भी बहुत जगह पे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेश ट्रोपोलॉजी। मेश ट्रोपोलॉजी क्या है? मेश ट्रोपोलॉजी भी ट्री ट्रोपोलॉजी की तरह है, आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि मेश ट्रोपोलॉजी में हम डायरेक्ट किसी सिस्टम को किसी सिस्टम से कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, वी हैव फाइव सिस्टम। इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड सम डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू सिस्टम फोर, अगर हम कोई डाटा सिस्टम वन टू सिस्टम फोर अगर सेंड करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम अगर मेश ट्रोपोलॉजी का यूज नहीं करें तो सिस्टम वन से टू, टू से थ्री, देन आफ्टर फोर। लेकिन मेश ट्रोपोलॉजी हमें एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्ट सिस्टम वन को फोर से कनेक्ट करके रखते हैं, तो हमारा सिस्टम वन का डाटा डायरेक्ट कहाँ सिस्टम फोर पे आ सकता है। यही एक बेनिफिट है हमारा मेश ट्रोपोलॉजी का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। चूँकि नेटवर्क एक ह्यूज एरिया में यूज हो किया जाता है, यानी कि नेटवर्किंग का यूज एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में किया जाता है, जिसका यूज हर एक तरह के वर्क में अप्रॉक्स किया जाता है। हर एक तरह का वर्क नेटवर्किंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया, गेम हो गया, या फिर डॉक्टरेट हुआ, किसी भी तरह का वर्क हम नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होने का काम। ठीक है, तो इस तरह से हम नेटवर्क का यूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो ज़्यादा यूज करने के कारण क्या, हम अपने डेटा का भी ट्रांसफ़र या फिर यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं, तो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा अगर किसी अदर पर्सन के पास, यानी किसी अनऑथराइज पर्सन के पास ना जाए, या फिर हम अपने डेटा को सिक्योर करके रखें नेटवर्क पे, इसके लिए हमें नेटवर्क क्या है, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस यानी नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं टू इंटर,
अगर हम किसी पेज में या किसी भी घर में इंटर कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, इंटर द हाउस, इंटर कर रहे हैं किसके घर के अंदर। इसी तरह से जब हम नेटवर्क के अंदर इंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटर नहीं करते, उसको एक्सेस करते हैं, यानी कि हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, अनऑथराइज, यानी कि वैसा यूजर जो कि अनऑथराइज, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, किसी कंपनी का आईडी, वेबसाइट हमें पता है, जैसे कि फेसबुक ही सपोज, फेसबुक को हम जान सकते हैं कि फेसबुक क्या है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक वर्क कैसे करता है ये हम नहीं जान सकते हैं। वो कौन जानेगा, जो फेसबुक के अंदर यानी फेसबुक कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो फेसबुक का एम्प्लॉय है, हम इसलिए नहीं कर सकते दैट वी आर नॉट अ एम्प्लॉय इन फेसबुक, हम लोग फेसबुक के अंदर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, यानी हम फेसबुक के लिए क्या है, अनऑथराइज यूजर है। तो अनऑथराइज यूजर को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी हमारा क्या काम करता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। हम हमारे सिस्टम के अंदर जो जो एप्लीकेशन है, जैसे मोबाइल के अंदर भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे ब्यूटी के लिए अलग है, कैमरा के लिए अलग है, फेसबुक सपोज एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फेसबुक के अंदर क्या होता है, हमारा बहुत सारा प्रोटेक्शन होता है। जैसे हम एक आईडी बनाते हैं, उसके अंदर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, इट्स ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये क्या है, एक प्रोटेक्शन हमारे आईडी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आईडी के जैसा ही एप्लीकेशन के लिए भी सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा लॉस प्रिवेंशन। डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या करता है, हमारे यूज किए गए डेटा, यानी कि डेटा जो भी हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर, उसको यह कंज्यूम करके रखता है। जैसे कि कुकीज आप लोग देखते होंगे, कुकीज क्या होता है, जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो, अगर किसी फेसबुक को लॉगिन करते हो, तो एक क्वेश्चन है, डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड, ठीक है। अगर हम सेव करते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या है, मेरा आईडी वहां सिक्योर रहता है, सेव रहता है, ठीक है। लेकिन वह आईडी हमारे सिस्टम में ही सेव रहता है, यानी कि हमारे सिस्टम के नेटवर्क में रहता है, ना कि हमारे मेन नेटवर्क में, यानी कि जिस नेटवर्क के थ्रू हम सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का डेटा को लॉस होने से यह रोकता है। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। फायरवॉल क्या होता है, यह हमारे यूजर और नेटवर्क के बीच में एक दीवार बनाता है। क्या बनाता है, एक दीवार बनाता है, ठीक है। जैसे ही यूजर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, यानी डाटा का ट्रांसमिशन होता है, या तो डाटा सेंड होगा या तो डाटा रिसीव होगा, ठीक है। तो डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए क्या है, नेटवर्क सबसे पहले यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि यूजर के थ्रू डेटा को रिसीव करता है और उसको ऑथराइज करता है। जब भी कोई ऑथराइज यूजर किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, तो वह नेटवर्क उस यूजर के डेटा को सिक्योर करके रखता है विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट पीटी के लिए। फर्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैन एंड वैन। पैन वैन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, पैन क्या होता है हमारा पर्सनल नेटवर्किंग एरिया, ठीक है। पैन क्या होता है हमारा पर्सनल नेटवर्किंग एरिया, यानी पैन का यूज हम क्यों करते हैं, जब भी हम अपने सिस्टम को एक पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, यानी कि पर्सनली यूज करते हैं और एक नॉर्मल एरिया में उसका कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग मोबाइल का एग्जांपल से समझिए, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है, एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि एक सिस्टम को, एक मोबाइल को दूसरे सिस्टम मोबाइल से कनेक्ट करता है मोबाइल डेटा के लिए, ठीक है। तो एक तरह का नेटवर्किंग हो रहा है, एक तरह का कनेक्शन बन रहा है, लेकिन इसमें क्या लिमिटेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 to 10 हम सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या करता है, एक सिटी को कवर करता है, यानी कि जैसे हमारा एग्जांपल पटना एक सिटी है, हम पूरे पटना में एक नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, यानी कि पूरे पटना में हमारे जितने भी ऑफिस है, जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं अलग अलग प्लेस में, सभी को हम कम्युनिकेशन के थ्रू यानी कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम मैन का यूज कर सकते हैं। इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपके नॉर्मल वीडियो में दिया हुआ, आप उससे क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी मैंने बताया, टोपोलॉजी इज अ सिस्टम इन विच वी कैन नो और वी कैन डिफाइन हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्किंग। हम नेटवर्किंग का कम्युनिकेशन करने के लिए कैसा स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, ये चीज़ हमें कौन बताता है, टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के क्या क्या यूटिलिटी, अभी मैंने जस्ट बताया,
एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डाटा लॉस प्रिवेंशन, फायरवॉल, ये सभी क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क हमारे यूजर को, यानी कि जो भी उस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ। आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डिटेल और ज़्यादा जानकारी आपके मेन वीडियो में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।